ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਬਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो हमें यहाँ लक्का पहुँची है, क्या नाम है जगह को? अभी हमारा दिल था चेयर लिफ्ट पर बैठने का, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 6 बज चुके हैं। तो हमारा सफ़र अब काफ़ी ज़्यादा आगे, क्योंकि जाना हमने गिलगित से आगे जो होगा यहाँ। हमने आधा सफर नहीं किया उस्ताद को पड़ी है व्लॉग बनाने की। तो यार जो वो बाइक वाले के स्टिक वाला कैमरा था ना, इंशाल्लाह वो लेना मैंने, तो उसके बगैर मजा नहीं आता, हैंड थक जाता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ रुकना था लेकिन नहीं यार, नहीं रुक पाए क्योंकि वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शिकर लेने चला, काम पहुंच चुके हैं गिलगित। तो गिलगित से हम पूछ रहे हैं रास्ता इस्लामाबाद, क्योंकि हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। तो निराली गांव वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो बहुत। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं चिलास, तो चिलास से हमने सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चिलास से सफ़र होगा हमारा शुरू एबटाबाद की तरफ। तो एबटाबाद है काफ़ी किलोमीटर है, लेकिन देखेंगे रास्ते में किसी रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, नहीं तो अपना सफर जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अपना मुंह तो धो लिया है, सोचा है कि गाड़ी का मुंह भी धोए। तो रात के 2 बज चुके हैं, तो बारिश होनी शुरू हो चुकी है। तो अभी हम हैं कोहिस्तान, कोहिस्तान से आगे 190 किलोमीटर है अहमदाबाद। तो बारिश हो रही है, तो अभी बारिश में सफ़र पता नहीं कैसा होगा। की स्कोर लग रहा है, मैं क्या कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नमाज़ फजर अदा की है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो अभी हमने जाना है बालाकोट, बालाकोट से मोटरवे पर फिर इस्लामाबाद की तरफ। तो यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हम पहुँच चुके हैं गिलगित मीर यानी के बालाकोट रोड पर। तो नाश्ता करती है, तो हम ज़रा थोड़ी देर रुकेंगे होटल के अंदर। आपका प्लेस ड्राइवर, क्योंकि हम सारी रात नहीं सोए, तो ना ही किसी जगह पर रुके हैं। तकरीबन हमने रात को तकरीबन 5 बजे मेरे ख्याल से ना हम घर से चले थे, तो सुबह 7 बजकर तकरीबन 20 मिनट पर यहाँ आए थे। शायद इतना टाइम था देखा लेना, मेरे ख्याल से इतना था तकरीबन ज़्यादा। तो 2 घंटे सोए हैं, तो अभी सफ़र करने लगे शुरू। तो गाड़ी माशाल्लाह जी तरीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह गाड़ी गाड़ी की क्या बात है। हम इस्लामाबाद से हैं तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर। तो अभी सबका दिल है कि सरदाई चले जाए, रात की मार पे ये जिक्राते थी। मशीन तो खाली है यार, ये जो तो हमने जो सफ़र किया ना रात को तकरीबन हमजा से, वो सफ़र आपको नहीं बता सकता क्योंकि रात हो चुकी है। तो इतना देर होना सफ़र था, चारों तरफ पहाड़ पहाड़, तकरीबन हम काफ़ी ऊपर पहाड़ों के काफ़ी ज़्यादा उतर गए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से वीडियो नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पर डैम का काम भी चल रहा था, तो बस वो नहीं। तो सुन लिया ना आप हमारे ड्राइवर की जो है।
तो यहाँ पर रश काफी ज्यादा हुआ क्योंकि तो अभी हम रुके हैं सुहावा, तो यहाँ पर पुलाव खाना है। काफी दिन हो चुके हैं मैं कुछ खाया चावलों में, तो उधर तो चावलों का चावल बहुत नहीं है, तो इधर पुलाव है, देखते हैं क्या असली पोटा चाय पूरी। हम अपने आप रोज बनाते हैं सफर कर कर के जवान। तो काफी ज्यादा सफर आज हमने किया है, तो सिर्फ 2 घंटे सोए हैं, तो अभी देखते हैं इनका काफी पुलाव कैसा है। तो फिर ऑर्डर दिया हमने पुलाव का, तो पुलाव की प्लेट है 450 की, तो टेस्ट अच्छा ही है। से उनका प्यार ही बहुत है, क्या हुआ उन्हें पहले फैमिली का इंतजार कर रहे हैं, मैं सिर्फ रहता और स्वाद नहीं करने लगा, नहीं प्यार नहीं आया, लेकिन वो पहले टेस्ट किया ना जैक अच्छा कि नहीं, क्योंकि एक दफ़ा मरे हमने खाए नहीं थे चावलों में जैक नहीं था, तो इसलिए ये जैक चेक किया अच्छा है, इसलिए दोबारा कर दिया। अच्छे बने थे लेकिन गुजरा वाला चैका नहीं था भाई, सूफी सूफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, तो सामा गाड़ी छोड़ने गया, जा रहे हैं घर की तरफ, तो चाय जाएंगे, बस कुछ कपड़े चेंज किए हैं कुछ नहीं किए। बच्चा बच्चों को देख के दिल खुश हो गया, वहाँ पर बच्चे आए थे लेकिन वो किसी पास नहीं थे अपने हंसते, तो हमारे मोहल्ले के बच्चे का क्या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं पहुंच चुका हूं घर, तो बहुत खुशी हो रही है कि वह घर घर ही है। तो आज की वीडियो यहां तक की थी, उम्मीद करता हूं अच्छी होगी, तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।